हेलो हाय फ्रेंड्स, देखो आज हम आपको बताने वाले हैं जूती टाइप का सॉक्स। तो ये हमारा सॉक्स है। देखो हमने एक बनाया है, अब हम दूसरा बनाएंगे। तो देखो हमने 3 कलर की ऊन ली है ये, और ये 10 नंबर सिलाई है। तो हमने 35 फंदे डाले हैं। तो हम पहले 3 सिलाई ग्रे कलर की और 2 सिलाई ऑरेंज कलर की बनाएंगे बॉर्डर। तो ये दोनों तरफ से हम गांठ वाला बनाएंगे और फिर उसके बाद में आपको आगे दिखाएंगे। तो देखो दोस्तों, ये हमारी 3 सिलाई हो चुकी हैं, 1 2 3। तो अब हमारी हमने ऑरेंज कलर की ऊन लगानी है। तो कभी भी दूसरे कलर की ऊन लगाओ तो उल्टे तरफ से लगानी चाहिए, जिससे कि सफाई आती है। सीधे तरफ बिल्कुल देखो, बिल्कुल साफ आएगा। ये हमने उल्टी तरफ से ऑरेंज कलर की उनको लगा लिया है, और इसको भी हम सीधे तरफ 2 सिलाई गांठ की बनाएंगे। तो देखो हमने ये उल्टी सिलाई भी बना ली इधर से, और ये 2 हमने ऑरेंज की हैं और 3 हमारी ये ग्रे कलर है। तो अब हम इसको सीधा बनाएंगे। ये हमारा बॉर्डर बन के तैयार हो गया है। हमने 35 फंदे डाले हैं इसमें, तो हमें जाली डालनी है बीच बीच फंदे पे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। हमने 17 फंदे बुन लिए हैं और गिनते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 17। तो हम इधर भी 17 छोड़ देंगे, और ये हमारे बीच वाला फंदा है, धागे आगे किया और ऐसी जाली डाल दी, फिर धागा आगे किया, फिर जाली डाल दी। तो देखो यहाँ पे जाली डल गई बीचों बीच में, 17 इधर रह गए, 17 इधर। तो अब हम इसको उल्टा सीधा बनाएंगे। तो हमें 11 जाली बनानी है, 4 लाइन। तो हम 4 सिलाई तो इसकी बनाएंगे ग्रे कलर की, और 2 सिलाई इसकी ऑरेंज वाली की बनाएंगे सीधी सीधी, और ऐसे ही बीच में हमें 11 जाली डालनी है। अब बनेगा। तो देखो ये हमारी 11 जालियां हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अभी हमारी इसमें ग्रे की 4 पट्टियां हैं, 1 2 3 4, और 4 ये ऑरेंज की हैं। तो अब इसको, ये ऑरेंज है इधर से, इसको बिना जाली डाले यूं ही बुनेंगे, पूरी सिलाई बुन लेंगे सादा सादा ही। ये बहुत ही आसान है दोस्तों। आपको अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो देखो दोस्तों, ये हमारी ये ऑरेंज वाली सादा सिलाई पूरी हो गई है। तो हम इधर से अब इसमें 15 फंदे उठाएंगे। देखो ये बैक साइड से, इधर से 1 2 3 4 5। हमें किनारे किनारे से फंदे उठाने हैं, 6 7 8 9 10 11 11। हमें ऐसे 15 फंदे उठा लेने हैं, और ये 15। तो हमारे इधर 15 फंदे उठ चुके हैं।
तो अब हम इसको उल्टी सिलाई बनाएंगे। ये हम दूसरे कलर का धागा लगाएंगे इधर से उल्टी तरफ से। कभी भी कोई भी धागा लगाना हो तो उल्टी तरफ से ही लगाना चाहिए, जिससे कि उल्टी तरफ लगाने से सीधी तरफ सफाई आती है और अच्छा भी लगता है। ये हमने उल्टी तरफ से बुन लें, फिर हम बुनेंगे तो इधर से भी हमें 15 फंदे ही उठाने हैं। तो देखो हमने इधर से भी बुन लिया है और उधर से हमने फंदे उठाए थे, उधर से भी बुन लिया। तो अब हमें इधर से ऐसे 1, 2 और ये हमारा किनारा अंदर की साइड आए, जिससे कि ये उल्टा ना बने। ये हमें सीधे तरफ को ही धागा ऐसे निकालना है। तो हम इधर से भी 15 फंदे उठा लेते हैं। देखो ये हमारे इधर से 15 फंदे उठ गए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15। तो अभी हमारे इधर से भी 15 उठ गए हैं और उधर से भी और बीच के भी, हमने सारे फंदे एक जगह कर लिए हैं। तो अब हम इसको बनाते हैं। ये तलवा बनता है हमारे पैर के नीचे वाला भाग बना रहे हैं, तो इसे हम दोनों तरफ से गांठ वाला बॉर्डर ही बनाएंगे। तो देखो ये हमारा 2 सिलाई हम इसकी बनाएंगे और फिर 2 ऑरेंज की बनाएंगे और उसके बाद में फिर 1 इसकी बनाएंगे। तो देखो हमारी ये बनके तैयार हो गया है। 2 हमारी ये हैं और 2 ये और 1 ये हैं 5 सिलाई और 6ठी सिलाई हमारी ये इधर से उल्टी है। तो हमारे 87 फंदे हैं, तो हमने इनको आधे आधे कर लिया। एक साइड हैं 44, एक साइड हैं 43, तो इनको हम ऐसे करके बंद कर देते हैं सिलाई से ऐसे। ऐसे 2 का 1 करके इसको ऐसे हमने इसको इसके ऊपर से उतार देते हैं। ऐसे ऐसे ही हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। तो देखो हमारे इधर से भी बन के तैयार हो गया और हमने ये भी बंद कर दिया है। अब जो ये पीछे का हिस्सा था एड़ी वाला, हमने यहाँ से दोनों यहाँ से सिलाई है तो इधर से भी 10 फंदे, इधर से भी 10 फंदे और हमने दोनों साइड से 20 फंदे उठा लिए हैं। तो इनको हम दोनों तरफ से गांठ वाला ही बनाएंगे, उल्टी सिलाई ही ऐसे। तो इसकी हम 2 ये सिलाई और 2 ऑरेंज और 2 ग्रीन की बनाएंगे। देखो ये हमारा अब पीछे का एड़ी भी ये बन के तैयार हो गई है। तो इसको हमने 10 फंदे 20 फंदे थे, आधे आधे दोनों साइड कर लिए हैं। तो इसको हम ऐसे जोटा मार के बंद कर देते हैं ऐसे। इसको इसके ऊपर से उतार देते हैं ये ऐसे। एक फंदा इधर से लिया दूसरी सिलाई से और एक इस सिलाई से, दोनों को एक साथ बुन के और बुने हुए फंदे के ऊपर से निकाल देते हैं तो ये बंद हो जाता है। तो देखो हमें ये ऐसे सारे फंदे बंद कर देने। तो अगर दोस्तों हमारी आपको ये जूती पसंद आए तो हमारी वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो देखो ये हमारी जूती का पीछे का भाग ये एड़ी है ये, और ये आगे का भाग है। देखो तो
दोस्तों, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान है। तो हमारे दोस्तों तब के लिए बाय बाय। तो दोस्तों देखो, ये हमारी जूती बनके तैयार हो गई है। ये हमारा एड़ी है और ये हमारा पंजा है, आगे का भाग है। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।